योगीराज में एंटी रोमियो स्क्वाड और पुलिस प्रशासन की नाकामी के चलते एक बार फिर महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ की घटनाएं बड़े स्तर पर हो रही हैं। ऐसे में परेशान महिलाओं ने बदमाशों को सुधारने का बीड़ा अपने सर पर उठा लिया है। जी हाँ, सही सुना आपने, मुजफ्फरनगर की महिलाओं ने पंचायत मीटिंग की और एक कमेटी बनाई। यह कमेटी हाथों में लाठी डंडे लेकर बदमाशों को सबक सिखाएगी। जाट कॉलोनी सिविल लाइन क्षेत्र में 11 जुलाई को एक ऐसी घटना हुई जिसने मुजफ्फरनगर की महिलाओं को हाथ में लाठी डंडा लेने पर मजबूर कर दिया। दरअसल एक युवती साइकिल पर सवार होकर अपने घर लौट रही थी, तभी बाइक सवार युवक ने युवती के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसे साइकिल से गिरा दिया और फरार हो गया। उसकी यह करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। ऐसे में जाट कॉलोनी की महिलाओं ने बैठक की और एक कमेटी बनाई जो कि हाथों में लाठी डंडे लेकर सभी मंचलों को ढूंढ ढूंढ कर मारेगी। पंचायत में मौजूद शारदा का कहना है कि छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं और पानी सर से ऊपर निकलता जा रहा है। पुलिस भी कुछ करती नहीं दिख रही है। समस्या है, बच्ची कहीं घर से बाहर नहीं निकल सकती, बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है। घर वाले कहाँ तक इनके पीछे पीछे फिरेंगे, ना ही पढ़ सकती, ना लिख सकती, ना किसी के घर जा सकती, ना किसी से बात कर सकती है, तो घर ही में घुसी रहेंगे लड़की। क्या कर रहा है, रोजाना घटना है, कोई लड़की को धक्का दे जा, कोई थप्पड़ मार जा, बताओ ये क्या, कौन सा तरीका। प्रशासन की तो ध्यान रखना चाहिए, कभी गली मोहल्ले में कोई फोर्स तो भेज कर पता करना चाहिए भाई लड़के इतने घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं लड़के। कोई ना तो देखा ही मोटरसाइकिल, इस तरह के मोटरसाइकिल के हॉर्न लगवा रखे जैसे गोली छूट रही हो। हम लोगों के घर में घुसे घुसे ही आवाज आती रहे, ये क्या गोली चल गई, हम बाहर आएंगे भाग्य। आज आप लाठी डंडे लेकर बैठे हुए, लाठी डंडे लेकर बैठे, अगर प्रशासन कुछ नहीं करेगा, जो हमारे हाथ लग जाएगा उसे ऐसा तोड़ देंगे, फिर वो किसी काम का नहीं। अपनी हिफाजत खुद करेंगे आप, अपनी हिफाजत हम तो खुद ही कर लेंगे। फिर वही स्कूल जा रही छात्रा आर्या का कहना है कि वह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और पुलिस की लापरवाही साफ दिख रही है। इसके कारण शहीदों को छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं रही है। अगर आज कानून सख्त होते, अगर उस लड़के को छेड़ने वाले लड़के के दिल में कोई थोड़ा सा भी डर होता तो ऐसी हरकत न करता और लड़की सुरक्षा समेत अपने घर पहुंच जाती। आजकल की यही प्रॉब्लम है कि कानून सख्त नहीं है, सब फ्री माइंड हो गए हैं, लड़के कि कुछ भी कर सकते हैं, लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं, उनका कुछ भी बाल बाकी नहीं होगा क्योंकि रूल्स ही इतने हल्के हैं हमारे यहाँ। तो इसके लिए अगर एक्शन सख्त लिए जाएं, सख्ती से लिए जाएं, सारी पुलिस इसको सीरियसली ले कि लड़कियां वाकई में परेशान हो रही हैं आजकल की, तो जब ही वो सेफ फील करेंगी, वरना हम सेफ फील नहीं करते, चाहे हम बुरखे में हो चाहे हम विदाउट बुरखे। सीओ सिटी हरीश भदौरिया ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की पहचान की जाएगी और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वैसे इन घटनाओं को देखकर तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इनको बढ़ावा पुलिस प्रशासन की लापरवाही से मिल रहा है, और अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारे देश में महिलाएं कभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी।